नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत भाटिया, पब्लिक एशिया न्यूज का राजनीतिक संपादक। दोस्तों, हम आज आपसे रूबरू हो रहे हैं। जैसा आपको विदित है, 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का मंदिर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपको यह भी विदित होगा कि 5 अगस्त 2020 को आधारशिला रखी गई श्री राम मंदिर की। मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार है, जिसका विधिवत उद्घाटन करने मोदी जी 22 जनवरी को जा रहे हैं और लगभग 50,000 लोगों को आमंत्रित किया गया। बड़े बड़े राजनीतिक, समाज सेवी, फिल्म जगत से जुड़े हुए साधु संत, इन सब का जमावड़ा होने जा रहा है 22 जनवरी को। अयोध्या राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से ऐसा भी कहा गया है कि अयोध्या में इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था का आयोजन है। इस हेतु उन्होंने अपील की है श्री चंपत राय जी, जो भगवान श्री राम न्यास ट्रस्ट के सचिव हैं, कि सिर्फ वो ही लोग आए जिनको आमंत्रित किया जा रहा है। इतना बड़ा आयोजन, हर मंदिर में जितने हिंदुस्तान के मंदिर हैं, विश्व के मंदिर हैं, वहां पर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं की जा रही है। मैं लगभग एक माह पूर्व अयोध्या में था, सारे लोग रोडों को चौड़ा किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय विमानतल का उद्घाटन मोदी जी करने वाले हैं, स्टेशन को एक बहुत भव्य रूप में बनाया जा रहा है, जो श्री राम मंदिर के लिए रोड जा रहा है उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है, मैंने स्वयं वहां पर देखा। उसी क्रम में दोस्तों, आज हमारे बीच एक बहुत अच्छी गायिका सुश्री ईना लखवानी जी हैं, जो मूलतः अयोध्या की निवासी हैं और अभी हाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुई हैं। अयोध्या को इन्होंने बहुत बारीकी से देखा है, इनका जन्म वहीं हुआ बस्ती में, अयोध्या में, और श्री भगवान राम से इनकी बहुत अटूट आस्था है। कई सारे भजन कीर्तन इन्होंने किए हैं, अयोध्या में किए, अयोध्या से बाहर किए, देश में किए, विदेशों में किए। इन्होंने बहुत अच्छी कुछ भजन अयोध्या के ऊपर बनाए। आइए हम पहले इनसे बात करते हैं। नमस्कार ईना जी। नमस्कार, जय श्री राम। आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। जी, ईना लखवानी नाम तो मैंने बता दिया, आगे आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप? जी जी, मेरा नाम है ईना लखवानी, मैं गायिका हूँ और साथ ही साथ मैं ऑल इंडिया परफॉर्म करती हूँ, लाइव स्टेज शो करती हूँ, प्लेबैक सिंगिंग करती हूँ, भजन कीर्तन के प्रोग्राम्स करती हूँ, और मैंने अयोध्या की रहने वाली हूँ। मैंने अयोध्या से ही अपनी संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। मेरे गुरुजी हैं पंडित सत्य प्रकाश मिश्रा जी, जो कि पंडित ज्वाला प्रसाद संस्था चलती है हमारी अयोध्या में, तो वहाँ से मैं विशारद कर रही हूँ अभी जी, जी। और मैं सभी जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि अरसों बाद ये शुभ घड़ी आई है, जो हमें राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, हम सब वहाँ पर रहेंगे। और अयोध्या के बारे में मैं जो भी जितना भी कहूँ वो बहुत ही कम है, क्योंकि वो सच में स्वर्ग की धरती है और मैं चाहती हूँ कि हर कोई अयोध्या में आए। उसी के लिए मैंने एक थीम सॉन्ग बनाया, जिसको मैं खुद ही लिखी हूँ। अच्छा, और उसको कंपोज भी किया था और जल्द ही ये अभी रिलीज भी हुआ है, तो जी, जी। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जरूर सुनाइए ना हमारे जी, जी। जो पब्लिक एशिया के व्यूअर्स जितने इस समय देख रहे हैं लाइव, उनके लिए आप बताइए अपना, आपने गीत लिखा है श्री राम के ऊपर और अयोध्या के ऊपर, इससे बड़ी और अच्छी बात नहीं हो सकती, बताइए। जैसा कि मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो मैंने हमारी सभी जनता के लिए एक भजन लिखा है, जो कि मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अयोध्या आओ ना, सर को झुकाओ ना, जय जय श्री राम के नारे लगाओ ना, अयोध्या आओ ना, सर को झुकाओ ना, जय जय श्री राम के नारे लगाओ ना, जन्म भूमि राम लला की,
यहाँ का कण कण बोले राम कहानी, जन्म भूमि राम लला की। यहाँ का कण कण बोले राम कहानी, मंदिर तुम आओ ना दर्शन तुम पाओ ना, यहाँ की माटी को सर पे लगाओ ना, अयोध्या आओ ना सर को झुकाओ ना, जय जय श्री राम के नारे लगाओ ना। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इना जी आपने तो बिल्कुल हमको साक्षात अयोध्या के दर्शन करा दिए, और इस समय जो 140 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में करोड़ों लोग जो इंतजार कर रहे हैं, आपने तो हमें अयोध्या 22 जनवरी से पहले ही पहुंचा दिया। और इतना अच्छा आपने सुंदर, मेरे ख्याल से आपने पूरा ये रिकॉर्डेड करा है म्यूजिक के साथ, तो हम चाहेंगे हम अपने दर्शकों को आपका पूरा सॉन्ग भी, ये वीडियो है या ऑडियो सॉन्ग? वीडियो भी अवेलेबल, वीडियो भी है, तो ये वीडियो सॉन्ग हम पब्लिक एशिया आपके लोकप्रिय चैनल पर इसको पूरा चढ़ाएंगे भी। इस कार्यक्रम के पश्चात हम इसको पूरा वीडियो आपका दिखाएंगे सर। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि ये भजन दो लैंग्वेजेस में अभी रिलीज हो चुका है, हिंदी और सिंधी में। सिंधी में एक दो लाइन सिंधी की भी सुनाइए, आप सिंधी आर्टिस्ट हैं। अयोध्या अचो ना दर्शन कयो ना, जय जय श्री राम जा नारा लगायो ना, अयोध्या अचो ना दर्शन कयो ना, जय जय श्री राम जा नारा लगायो ना। ये आपने अयोध्या पे दो गाने एक हिंदी में और एक सिंधी में रिलीज किया है, ऑलरेडी रिलीज हो गया। हाँ ये रिलीज हो चुका है और एक और रिलीज होने वाला है जी, जो कि अगर कानूनी उसमें पेशिदगी नहीं हो तो आप उसको गा सकती है, वरना देखिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। दो लाइन में आप बता सकती हूं, गुनगुना दीजिए जो आपका नया गाना आने वाला है जी। जय श्री राम 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 आने वाले हैं अवध में, जय श्री राम 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 आने वाले हैं अवध में, हर एक दिल में है उमंग मेरे राम के स्वागत में, जय श्री राम 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 आने वाले हैं अवध में। बहुत बढ़िया, ये तो सॉन्ग लगता है आपने कुछ पॉप सिंगिंग टाइप है कि हमारे युवाओं को भी पसंद आएगा और आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग। आपके इस गाने पे इतनी अच्छी, आपने आपकी बहुत अच्छी आवाज है, पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि बहुत अच्छी आवाज है। आप और भी फिल्मी गाने भी आप गाती हैं कुछ, और भजन कीर्तन आपने कार्यक्रम किए, और इस समय इस चैनल के लिए हम सिर्फ अयोध्या पे बात कर रहे हैं, तो आगे फिर कभी आपसे बात करेंगे। तो दर्शकों ये थी हमारे साथ इना लखवानी, जो दिल्ली निवासी है और अयोध्या पे इन्होंने दो तीन गाने बहुत अच्छे खुद ही कंपोज किया है, और इस कार्यक्रम के पश्चात इस इंटरव्यू के पश्चात हम वो दोनों गाने भी रिलीज करेंगे आप लोगों की जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं पब्लिक एशिया से श्रीकांत भाटिया, राजनीतिक संपादक।